थर्ड एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्या दे रखा है हमें? साइन एक्स फाइंड आउट करना है, कोस एक्स की वैल्यू गिवन में दे रखी है और एक्स लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स कहाँ पे लाई करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। गिवन में हमें क्या दे रखा है? कोस एक्स इज इक्वल टू 1/√2, ये वैल्यू हमें गिवन में दे रखी है। साइन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे करेंगे? एक्स जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है हमारी? √1 − cos²x। और एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो यहाँ पे किसका साइन लेंगे? माइनस का। तो साइन की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। माइनस की आएगी तो माइनस वैल्यू रखेंगे 1 − cos² की वैल्यू। कोस स्क्वेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2। 1 में से 1/2 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? ये √1/2। इसको ऐसे लिख देंगे −1/√2। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? साइन एक्स की। ऐसे ही हमें सेकंड पार्ट करना है, कोस एक्स फाइंड आउट करना है। साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है, एक्स किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेम ऐसे ही सेकंड पार्ट करेंगे। देखो साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है हमें −1/2। कोस एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो कोस एक्स क्या होता है? √1 − sin²x। जो एक्स है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ में कोस क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा, वैल्यू पुट कर देंगे 1 − sin²। साइन का स्क्वेयर करेंगे, −1/2 का स्क्वेयर क्या आ जाएगा? प्लस का 1/4। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा? 3/4। तो कोस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? √3/2, ये आ जाएगा हमारा कोस एक्स। देखो फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ में साइन एक्स इंटू सीकेंट एक्स की वैल्यू दे रखी है, एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और हमें साइन एक्स और सीकेंट एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है हमें गिवन में क्या दे रखा है? साइन एक्स इंटू सीकेंट एक्स इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमें दे रखी है −1 के इक्वल। कैसे करेंगे? देखो साइन एक्स सीकेंट एक्स को क्या लिख लेंगे? 1/cos x इज इक्वल टू −1। साइन बाय कोस क्या बन जाएगा? टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू −1। फिर क्या करेंगे? यहाँ से देखो टेंजेंट एक्स की वैल्यू −1 आ गई। उसके बाद एक्स जो है किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से हम सीकेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो सीकेंट एक्स, सीकेंट का क्या फॉर्मूला होता है? सीकेंट स्क्वेयर एक्स का 1 + tan²x। ये सीकेंट एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। 1 + tan² क्या होता है? सीकेंट स्क्वेयर, ठीक है। अब जो है एक्स हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड में सीकेंट क्या होता है? नेगेटिव। तो यहाँ किसका साइन लगाएंगे? माइनस का। इज इक्वल टू −√1 + tan²। −1 का स्क्वेयर करेंगे, क्या आ जाएगा? प्लस का 1। तो ये आ जाएगा −√2। सीकेंट एक्स की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे? साइन एक्स की। तो देखो सीकेंट एक्स की वैल्यू है तो कोस एक्स की। कोस क्या होता है? सीकेंट का उल्टा। कोस क्या होता है? 1 − sec x। तो ये आ जाएगा 1/√2। माइनस का आएगा, माइनस में है तो कोस एक्स की आ गई। अब कोस एक्स की आने के बाद हम साइन की निकाल देंगे। देखो साइन की वैल्यू निकालते हैं। साइन क्या होता है हमारा? साइन एक्स इज इक्वल टू √1 − cos²x। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ प्लस का साइन रहेगा। कोस की वैल्यू रख देंगे 1 − कोस की वैल्यू क्या आती है हमारी? −1/√2। इसका स्क्वेयर करेंगे, क्या आ जाएगा? 1/2, ठीक है। 1 में से 1/2 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? 1/2। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/√2, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट फोर्थ का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फोर्थ का सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है? कोस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन एक्स कोस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं हम। क्या दे रखा है हमें गिवन में सेकंड पार्ट में? कोस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। कैसे करेंगे इसको? कोस एक्स इज इक्वल टू, साइन को उस साइड लेके जाएंगे, क्या बन जाएगा ये? माइनस साइन एक्स।
इसको ऐसे लिखेंगे कोस एक्स इज इक्वल टू साइन, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, ठीक है। अब कोस को डिवाइड में लेके जाते हैं इधर, इधर वन बचेगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स बाय कोस एक्स। तो ये माइनस को इधर लिख लेते हैं, माइनस वन इज इक्वल टू साइन बाई कोस क्या बन जाएगा टेंजेंट एक्स। तो टेंजेंट एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस वन। उसके बाद हमें वैल्यू किस किस की निकालनी है, साइन एक्स एंड कोस एक्स की। तो देखो कैसे करेंगे, टेंजेंट एक्स की वैल्यू है, सबसे पहले सीकेंट की निकाल लेते हैं यहाँ से, और एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ये सीकेंट एक्स की वैल्यू निकालेंगे, सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स क्या आ जाएगा हमारा रूट ऑफ वन प्लस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स लाई करता है, तो फोर्थ में सीकेंट क्या होता है पॉजिटिव, फोर्थ में सीकेंट पॉजिटिव, यहाँ पे प्लस का साइन। तो रूट ऑफ वन प्लस टेंजेंट स्क्वेयर, टेंजेंट का स्क्वेयर करेंगे, माइनस वन का स्क्वेयर प्लस वन, क्या आ जाएगा ये रूट टू। ये सीकेंट एक्स की वैल्यू आ गई, तो कोस एक्स की क्या आ जाएगी, कोस क्या होता है सीकेंट का उल्टा, तो कोस एक्स की वैल्यू आ जाएगी वन बाय रूट टू। अब यहाँ से साइन की निकाल देंगे, तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स क्या आ जाएगा हमारा रूट ऑफ वन माइनस कोस स्क्वेयर एक्स, वैल्यू रखेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे किसका साइन आएगा माइनस का, तो इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ वन माइनस कोस का स्क्वेयर, कोस का स्क्वेयर करेंगे क्या आ जाएगा वन बाय टू, वन में से वन बाय टू माइनस करेंगे क्या आएगा वन बाय टू, इसको कैसे लिख देंगे माइनस वन बाय रूट टू, ये आ जाएगी हमारी साइन एक्स की वैल्यू। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। टेंजेंट एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है, साइन एक्स और कोस एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें वैल्यू दे रखी है, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा हमें 3/4, ठीक है, और साइन एक्स एंड कोस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे हम, टेंजेंट एक्स की वैल्यू गिवन में है, तो सबसे पहले हम सीकेंट की वैल्यू निकालेंगे, तो सीकेंट एक्स की वैल्यू निकालते हैं, सीकेंट एक्स क्या आ जाएगा रूट ऑफ वन प्लस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स। अब इस क्वेश्चन में एक्स हमें बता नहीं रखा कि किस क्वाड्रेंट में है, तो हम दोनों साइन लेके चलेंगे प्लस और माइनस, तो क्या आ जाएगा अब ये प्लस माइनस रूट ऑफ वन प्लस टेंजेंट का स्क्वेयर करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 9/16 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 16 एलसीएम लेंगे, तो ये बन जाएगा 16+9 क्या आ जाएगा ये रूट ऑफ 25/16। तो कोसेकेंट एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 25 का स्क्वेयर रूट 5/4, ठीक है, ये आ जाएगी सीकेंट एक्स की वैल्यू। अब कोस एक्स की निकाल देंगे, तो कोस क्या होता है सीकेंट का उल्टा, कोस एक्स क्या होता है 1/सीकेंट एक्स, इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4/5, ये हमारी कोस एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब ऐसे ही साइन एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, तो साइन एक्स किसके इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 1 कोस स्क्वेयर एक्स, वैल्यू रखेंगे अब यहाँ पे 1 कोस की वैल्यू रखेंगे 4/5 का स्क्वेयर कितना आ जाएगा ये 16/25, तो प्लस माइनस रूट ऑफ 1 में से 16/25 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9/25, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 3/5, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी साइन एक्स की। तो ये आ गया हमारा साइन एक्स, यही हमें निकालना था। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, क्या दे रखा साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है, एक्स लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे हम, हमें गिवन में दे रखा है फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड जो पार्ट है, वैल्यू हमें किसकी दे रखी है साइन एक्स की, साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है 12/13, और एक्स लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन एक्स की वैल्यू है, सबसे पहले तो हम कोस एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो कोस एक्स क्या आ जाएगा हमारा रूट ऑफ 1 sin² x, एक्स हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो कोस एक्स क्या होगा नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन लेंगे, माइनस रूट ऑफ
वन माइनस साइन का स्क्वेयर करेंगे, साइन स्क्वेयर क्या आ जाएगा, ये 12/13 का स्क्वेयर, तो 144/169। एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे, 169 एलसीएम, 169 - 144, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस रूट ऑफ 25/169, तो कोस एक्स की वैल्यू आ जाएगी -5/13, ये कोस एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब सीकेंट एक्स की निकाल लेंगे यहाँ से, तो कोस एक्स की वैल्यू है, सीकेंट क्या होगा कोस का उल्टा, तो कोस एक्स सीकेंट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -13/5, इसका उल्टा कर देंगे, ये सीकेंट एक्स की वैल्यू। अब टेंजेंट एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, टेंजेंट एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, 12/13 अपॉन कोस एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, -5/13, 13 से 13 कैंसिल होगा, माइनस का साइन, और ये क्या आ जाएगा, 12/5, ये हमारी टेंजेंट एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करेंगे, देखो हमें निकालना क्या है, नाउ हमें वैल्यू निकालनी थी सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स की, कैसे निकालेंगे, सीकेंट एक्स की वैल्यू रखेंगे, सीकेंट एक्स की वैल्यू है -13/5, टेंजेंट एक्स की वैल्यू रखेंगे -12/5, 5 एलसीएम लेंगे, -13 - -12 क्या आ जाएगा, ये -25/5, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5, ये आ जाएगा हमारा इसका आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर द फॉलोइंग, सभी अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यूज निकालनी है, दोनों क्वेश्चन सेम है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स लाई करता है, देखो कोस एक्स की वैल्यू दे रखी है -3/5, कैसे करेंगे, देखो सिक्स्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें गिवन में दे रखा है, कोस एक्स की वैल्यू दे रखी है -3/5, तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, साइन एक्स की, तो साइन एक्स क्या होता है हमारा, रूट ऑफ 1 - cos² x, और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स लाई करता है, तो थर्ड में साइन क्या होगा, नेगेटिव, तो यहाँ पे किसका साइन लगाएंगे हम, माइनस का, तो ये आ जाएगा -√1 - cos का स्क्वेयर करेंगे, -3/5 का स्क्वेयर क्या आ जाएगा, 9/25, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस वन में से 9/25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 16/25, साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, -4/5, ये आ जाएगा हमारा साइन एक्स। अब साइन एक्स आ गया, कोस एक्स है, अब क्या निकाल लेंगे हम, सीकेंट एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, सीकेंट क्या होता है कोस का उल्टा, 1/cos x, कोस का इन्वर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -5/3, अब सीकेंट एक्स निकाल लिया, कोसीकेंट एक्स भी निकाल लेंगे, कोसीकेंट एक्स क्या होता है हमारा साइन का उल्टा, क्या हो जाएगा, 1/sin x इज इक्वल टू साइन का उल्टा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, -5/4। उसके बाद टेंजेंट एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे हम, टेंजेंट एक्स क्या होता है हमारा, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ये फॉर्मूला होता है टेंजेंट एक्स का, तो साइन एक्स की वैल्यू रखेंगे, साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, -4/5 अपॉन कोस एक्स की वैल्यू रखेंगे, -3/5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5, क्या आ जाएगा ये, 4/3, ये आ जाएगी हमारी टेंजेंट एक्स की वैल्यू। उसके बाद हम कोट एक्स की निकाल देंगे, कोट एक्स इज इक्वल टू, कोट क्या होता है टेंजेंट का उल्टा, 1/tan x होता है, तो टेंजेंट का उल्टा कर देंगे, क्या आ जाएगा, 3/4, ये सारे अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने निकाल दी। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट करना है, कोट एक्स की वैल्यू दे रखी है, एक्स इन लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और बाकी सारी वैल्यूज निकालनी है। देखो कैसे करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, हमें कोट एक्स की वैल्यू दे रखी है, कोट एक्स किसके इक्वल दे रखा है, 12/5 के, तो कैसे करेंगे, देखो कोट एक्स दे रखा है 12/5, एक्स लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट, सबसे पहले टेंजेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, टेंजेंट एक्स क्या होता है हमारा, 1/cot x, कोट का उल्टा होता है, क्या आ जाएगा ये, 5/12, अब उसके बाद हम
टेंजेंट से सीकेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो सीकेंट एक्स किसके इक्वल होता है, रूट ऑफ वन प्लस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स, और सीकेंट एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे किसका साइन आएगा, माइनस का, तो इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ वन प्लस टेंजेंट का स्क्वेयर करेंगे, इसका स्क्वेयर क्या आ जाएगा, 25/144, दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 25/144 करेंगे क्या आ जाएगा, 144, और ये क्या आ जाएगा, 169, तो सीकेंट एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस, इनका स्क्वेयर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 13/12, ये सीकेंट एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब सीकेंट एक्स की वैल्यू है कोस एक्स की, निकाल देंगे, कोस क्या होता है, सीकेंट का उल्टा, तो ये आ जाएगा कोस एक्स इज इक्वल टू 1/sec x, तो सीकेंट की वैल्यू आई थी हमारी -13/12, कोस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -12/13, ये कोस एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब कोस एक्स है हमारे पास, साइन एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, तो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 1 - cos² x, ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, नेगेटिव, तो ये वैल्यू आ जाएगी अब 1 - cos का स्क्वेयर करेंगे, इस वैल्यू का स्क्वेयर क्या आ जाएगा, 144/169 माइनस, 1 में से 144/169 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25/169, इनको सब्ट्रैक्ट, अब इनका स्क्वेयर रूट निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, -5/13, ये हमारी साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब ऐसे ही कोसिकेंट एक्स की निकाल देंगे, कोसिकेंट क्या होता है, साइन का उल्टा, कोसिकेंट एक्स 1/sin x, इसका उल्टा कर देंगे क्या आ जाएगा, -13/5, ये हमारे सारे अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएंगे।